15 अगस्त को देशभक्ति कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता कमाल खान के लड़कों द्वारा जय श्री राम का नारा लगाने पर एक युवती के साथ बदसलूकी कर उसे मंच से नीचे उतार दिया था। इस मामले में पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने आयोजकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मंगलवार को भाजपा नेता की दुकान का अतिक्रमण नगर निगम ने तोड़ दिया। इस दौरान निगम कर्मियों को धमकी देने के मामले में सराफा पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। आज राजवाड़ा और उसके आसपास नगर निगम की टीम द्वारा रिमूवल की कार्रवाई की जा रही थी और उस कार्रवाई के दौरान एक दुकान के मालिक द्वारा नगर निगम की टीम के साथ अभद्रता की गई और उनको गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई। ऐसी रिपोर्ट नगर निगम के अधिकारी द्वारा थाने पर प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें धारा 353 294 धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें आरोपी जो दुकानदार है वो माज खान है, जिनकी राजवाड़ा पर गारमेंट्स की दुकान है। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।